धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित भमरोली गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें ग्रामीणों ने सरपंच और राशन डीलर पर राशन नहीं देने के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले भैसेना सरपंच यादव सिंह और भमरोली गांव के ग्रामीणों में झगड़ा हो गया था, जिसमें सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गया। इस झगड़े को लेकर सरपंच उनसे द्वेषतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, साथ ही राशन की दुकान सरपंच के परिजन के पास है, ऐसे में उन्हें राशन भी नहीं दिया जा रहा है। राशन की मांग करने पर उनसे मारपीट की जाती है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर गाँव में ही राशन की दुकान खोलने के साथ राशन डीलर और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे यहाँ राशन डीलर उत्तम सिंह है, जो हेडक्वार्टर ग्राम पंचायत भैसाना पर राशन वितरण करता है। वो जैसे भी मतलब समाज जातिवाद एक रट्टा हो गया था गुर्जर और लोधी राजपूतों में, उसमें मुलजिम भी हाजिर रखे हैं। उसके बावजूद भी अब कोई भी गुर्जर जैसे किसी चीज़ को लेके वहाँ पर राशन डीलर के लिए जाता है तो वहाँ पर सरपंच यादव सिंह की पत्नी ममता देवी और राशन डीलर उत्तम सिंह उसके लोग मिलकर के उनमें मारपीट करते हैं। उन लोगों के खिलाफ दो मुकदमे भी हो चुके हैं, दो लड़कों में मारपीट भी की है, उसके खिलाफ